दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों होशंगाबाद में आज अग्निहोत्री गार्डन में एक दिव्यांगों के लिए शिविर लगा हुआ है। ऐसे दिव्यांग जिन्हें कृत्रिम अंग लगने हैं, रोटरी क्लब, शासन प्रशासन और नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वावधान में एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है दिव्यांगजनों के लिए। आज माप लिया जा रहा है, चेकअप किया जा रहा है जिन्हें कृत्रिम अंग लगने हैं उनका, और आज से 40 से 50 दिन बाद पुनः एक शिविर लगाकर उन्हें अंग वितरित किए जाएंगे, उन्हें अंग यहां लगा कर दिए जाएंगे, कृत्रिम अंग। तो लगभग 350-400 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी भी अच्छी खासी भीड़ है। तो एक दिन के लिए शिविर लगाया गया था, किंतु संभवतः इस शिविर को एक्सटेंड करना पड़ेगा और कल भी यह शिविर रहेगा। तो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आवश्यकता है, वे यहाँ पहुँच रहे हैं और जांच करवा रहे हैं अपनी और माप दे रहे हैं अपने हाथ या पैर का, जो उन्हें कृत्रिम अंग लगने हैं। आइए कुछ झलकियाँ देखते हैं और मिलते हैं नारायण सेवा संस्थान से जुड़े हुए लोगों से और रोटरी क्लब से जुड़े हुए लोगों से, और उनसे जानते हैं इस शिविर के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे की बटन दबाइएगा। हम लोग आज रोटरी क्लब के बैनर तले यहाँ पर दिव्यांग लोगों के कृत्रिम अंग के लिए माप शिविर और जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है उनके ऑपरेशन का शिविर लगा रहे हैं। और हमें पता नहीं था कि इतना ये थेप्स सेक्टर है जिसमें आज 400 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। एक दिन का कैंप था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कैंप शायद कल तक भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी लोगों की इनपुट है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और बहुत दूर दूर से, मतलब शहडोल जबलपुर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर तक भी लोग आ रहे हैं, और यहाँ पर नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से आज नाप लिया जाएगा और जिन लोगों को आवश्यकता है उन लोगों को आज से 1 से 1.5 महीने बाद यहाँ पे फिर उन कृत्रिम अंग फ्री निशुल्क जो है डोनेट किए जाएंगे, लगाकर वितरण करेंगे। जी बिल्कुल, हमारा रोटरी क्लब जो है वो ऐसे कार्य, इसके पहले 2014 में भी हम लोगों ने नारायण सेवा संस्थान के साथ मिलकर ये दिव्यांग लोगों का कैंप लगाया था और उस समय में भी लगभग 300 से ज़्यादा लोगों ने कृत्रिम अंग और ऑपरेशन के लिए करते रहे थे। और रोटरी क्लब का तो उद्देश्य ही है सेवा करना। अभी जब कोरोना की सेकंड लेयर आई थी तब हमारे बहुत सारे सदस्यों ने गर्म भोजन बना के जो लॉकडाउन में फंसे लोग थे उनको घर तक भोजन देने का प्रकल्प किया। बड़ा कठिन कार्य था क्योंकि खुद की जान को जो है बड़ा संकट में डाल के और लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य था, लेकिन गर्म भोजन बनवाया जाता था और उनको फिर पहुँचाया जाता था। तो हमारे यहाँ तो ऐसा है कि चाहे होशंगाबाद में जैसे नर्मदा के किनारे बैठे हैं हम, नर्मदापुरम नाम मिल गया अब हमको नया, और चाहे बाढ़ की समस्या हो या जैसे जो भी सरकारी स्कूल होते हैं वहाँ टाट पत्री नहीं होती है, चेयर्स नहीं होती है, जब जब भी हमारे क्लब को ऐसा मालूम पड़ता है कि किसी व्यवस्था की ज़रूरत है हम लोग तुरंत उसमें करते हैं। नारायण सेवा संस्थान उदयपुर से मैं हरिप्रसाद लड्ढा, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री प्रशांत जी अग्रवाल के मार्गदर्शक से हमें यहाँ पूरी टीम को भेजा गया है, उस टीम का नेतृत्व मैं कर रहा हूँ। आज होशंगाबाद में दूसरी बार कैंप लगाने का संस्थान को अवसर मिला है दिव्यांग जन सेवा करने के लिए, जिसमें 2014 में एक कैंप आयोजित हुआ था और आज जी और आज दूसरी बार अपन आज देख रहे हैं काफ़ी संख्या में 300 से ऊपर ओपीडी हो चुकी हैं और नारायण सेवा संस्थान में आज जो डॉक्टर द्वारा चेकअप किया जा रहा है, चेकअप होने के साथ साथ ही नाप का भी कार्य हो रहा है, आर्टिफिशियल नीम और कैलिपर बनने जा रहे हैं, उन नापों की कम से कम 45 दिन बाद की हमारी सीमाएँ रहती है, उसके बाद यहाँ दूसरी बार एक डिस्ट्रीब्यूशन का कैंप लगाया जाएगा। संस्थान के बारे में आप 36 वर्षों से संस्थान दिव्यांगजनों की सेवा में तत्पर हैं और 1985 से सेवा शुरू की जो आज दिन तक दिनों दिन सेवा में लगी हुई है, और
आज 4 लाख करीब ऑपरेशन संस्थान में सफल ऑपरेशन हो चुके हैं और हजारों की संख्या में आर्टिफिशियल लिम बांट चुके हैं और हजारों की संख्या में कैलिपर्स, हजारों की संख्या में ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर वैसा के कार्य हो चुका है। नारायण सेवा संस्थान साल में 2 बार बहुत बड़े बड़े दिव्यांग विवाह करती है, जिसमें महानगर दिल्ली में भी होता है। 100-100 जोड़ों तक कार्य विवाह कर चुकी है, जिसमें निर्धन, गरीब एवं विकलांग का प्राथमिकता दी गई है और सारा लाजमा उदयपुर से जाता है। उसका मार्गदर्शक आदरणीय क्या प्रशांत भैया के मार्गदर्शक से ये कार्य होता है और भारत के बाहर भी संस्थान काम करता है। सब विदेशों में भी संस्थान ने कैंप कर चुकी है और नेपाल में भी कैंप 2 बार कैंप कर चुकी है, जिसका मेरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। और भूकंप जैसा कार्य में नारायण सेवा सबसे पहले भारत में सबसे पहले पहुंचने वाली नारायण सेवा जो राशन का कार्य किया है गांव-गांव जा जाके वहाँ। आप सभी लोगों को सादर अभिवादन। यहाँ अग्निहोत्री गार्डन में अग्निहोत्री परिवार के द्वारा रोटरी क्लब के साझा सहयोग से एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दिव्यांगों के हाथ पैर के माप लिए जा रहे हैं। ये माप लेने के उपरांत 2-1 महीने का समय लगेगा ये उनके अंगों का निर्माण होने में, जो मॉड्यूलर प्रकार के अंग होंगे। उन मॉड्यूलर प्रकार के अंगों का वितरण फिर इन सभी दिव्यांगों को क्रमशः किया जाएगा, जिसके लिए नर्मदापुरम में एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया है, जो नारायण सेवा समिति उदयपुर के सहयोग से किया गया है। ये समिति जो है दिव्यांगों के लिए मॉड्यूलर अंग का निर्माण करती है। शिविर काफ़ी विशाल है, लगभग 400 लोग हो चुके हैं जिनका चेकअप हो चुका है, और चेकअप के साथ ही साथ जिनको कृत्रिम अंगों की आवश्यकता है उनके नाप भी लिए जा चुके हैं। व्यवस्थाएं यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। पंडित मुकेश अग्निहोत्री, मोहित अग्निहोत्री, रोटरी क्लब के आशीष भैया, विपिन भैया का काफ़ी सहयोग रहा, प्रशासन ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। सबके साझा सहयोग से दिव्यांगों के लिए एक विशेष सेवा यहाँ पर दी जा रही है और भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता रहे, इस प्रकार की अपेक्षा अग्निहोत्री फैमिली करती है। धन्यवाद। अभी हमने इनका नाप लिया है, ऐसे ही हमने सभी पेशेंट्स का आज नाप लिया है और 1 महीने के अंदर हम बना के इन सबको डिलीवर करेंगे। इस नाप में फिर पीओपी भरी जाएगी। पीओपी भरने के बाद उसमें जहाँ जहाँ पे प्रेशर देना है प्रॉपर मॉडिफाई करने के बाद, प्लास्टिक को 220 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद उसको उस मोल्ड के ऊपर उसका सॉकेट बनाया जाएगा। वो सॉकेट ही वो हिस्सा होता है जो इनके स्किन को टच करेगा, और उस सॉकेट के नीचे लेंथ बढ़ाने के लिए पायलन की रॉड लगाई जाती है जो कि हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम की होती है, और उसके नीचे इनके साइज़ का पंजा लगाया जाएगा। अच्छा। वो तैयार हो जाएगा, उसके बाद इनको फ़ोन आएगा। जितने भी पेशेंट आज हम एग्जामिन करके ले जाएंगे उन सब पेशेंट को एक एक करके नारायण सेवा से कॉल आएगा, और कॉल आने के बाद उनको बुलाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर शिविर लगता है, 1 महीना लग जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा है यहाँ पे। वैसे यूजुअली हम 15-20 दिन में आके कर देते हैं। 400 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो गए जी। ये कैंप नारायण सेवा संस्थान का जो लगाया जा रहा है, विगत 2014 में भी अपन ने लगवाया था, उस समय बहुत अच्छा कैंप था। उस समय पोलियो से संबंधित कैंप था। अच्छा। पोलियो के से ग्रस्त जो बच्चे थे उनका करीब अपन ने 250 लोगों का प्रशिक्षण किया था, उसमें से करीब 60 लोगों को अपन ने ऑपरेशन करवाया था उस समय। अच्छा। तो उसको देखते हुए फिर हमारी इतने दिनों से बातचीत चल रही थी नारायण सेवा संस्थान से, तो अब जाके उन्होंने कहा कि नहीं हम आप फिर से लगाते हैं आपके यहाँ। तो ऐसे
इस कैंप की रूपरेखा बनी और इस सबके लिए फिर अपन रोटरी क्लब है, क्लब की तरफ से है, क्या बोलते हैं अपने अग्निहोत्री जी हैं, प्रशासन है, उन सब के सहयोग से अपन ने इस कैंप के लिए आयोजित किया और इसका प्रचार प्रसार भी मतलब सरकारी मशीनरी द्वारा, सरकार के द्वारा भी अच्छा किया गया, जिससे आज ऐसा लगता है कि 400 से 500 मरीज तो अपन आज आ रहे हैं और चल रहा है कैंप, बहुत अच्छा चल रहा है और करीब करीब सबका अपन अच्छे से इलाज करने का जो अपना उद्देश्य है वो पूरा होगा, ये सब मानते हैं अपन उसको मान, और सबको अपन जो जो इलाज, जिसको पैर लगना होंगे, हाथ लगना होंगे, किसी के पोलियो से संबंधित भी अभी भी होगा कोई, उसको भी अपन भेज देंगे। और आगे ये आज प्रशिक्षण नाप केंद्र, नाप का है, नाप ले रहे हैं, नाप ले जा रहे हैं, उसके बाद आगामी 2 महीने बाद फिर इसको फिर से एक बार कैंप करेंगे अपन आयोजित, जिसमें उन सबका अपन बुलाएंगे और यही सब डॉक्टर्स आएंगे और फिर उनको अपन लगवाएंगे, कृत्रिम अंग बनेंगे उनको अपन वितरित करेंगे, वितरित भी करेंगे लगा के उनको बिल्कुल उसको पूरी तरह ऐसा सब पूरा सबके सहयोग से, आप सब लोगों के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से एक कैंप आयोजित किया जा रहा है। नमस्कार, मैं विपिन जैन नर्मदापुरम निवासी हूं और मैं वर्तमान में रोटरी क्लब का सचिव हूं। हमारा रोटरी क्लब इस शहर के अंदर 25 साल पहले से अपना काम करते आ रहा है। 25 साल से ये क्लब निरंतर होशंगाबाद, पहले जो होशंगाबाद शहर नाम हमारा था, इस नर्मदापुरम को अपनी सेवाएं देते आ रहा है। और रोटरी ज़्यादातर इस चीज़ पे विश्वास करता है कि हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें, लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उनके अवेयरनेस के लिए, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए कैंप करें, जिससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और इसी के मद्देनज़र हम लोग इस चीज़ पे विशेष ध्यान देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव के स्तर पे हम मेडिकल कैंप लगाएं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा लाभ मिल सके। और इसी दरमियान हमने ये नारायण सेवा संस्थान का कैंप अभी प्लान किया था। नारायण सेवा संस्थान से हम लोग 2010 से जुड़े हुए हैं। 2010 में से चर्चा करते करते हमें नारायण सेवा संस्थान ने 2014 में एक मौका दिया था। उस टाइम पे हमने पोलियो से ग्रसित लोगों के ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन में चयन के लिए लोगों को कैंप के माध्यम से बुलाया था, जिसमें लगभग 90-95 लोगों के ऑपरेशन के लिए लोगों को चिन्हित किया गया था। रोटरी क्लब ने को उदयपुर से जो फिर उन पेशेंट्स के लिए जो डेट आई थी ऑपरेशन की, थोड़ा सा इसमें मैं आपको उदयपुर के बारे में भी बताना चाहूँगा कि उदयपुर में इतने पेशेंट्स पूरे ऑल इंडिया से पहुँचते हैं, तो वहाँ पे ऑपरेशन के लिए डेट मिलना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन ऐसे सेवाभावी कार्यक्रमों के माध्यम से जिन पेशेंट को के नाम वहाँ जाते हैं, उनको थोड़ा जल्दी ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया जाता है। तो रोटरी क्लब ने भी जितने लोगों को चिन्हित कराया था, उसमें से 95 लोगों को के डेट थोड़े थोड़े अंतराल से दो डेट मिली थी, जिसमें जो लोग सक्षम थे वो अपने स्वयं के खर्चे से उदयपुर तक तो पहुंच गए थे और वहां जाके उनका पूर्ण निःशुल्क ऑपरेशन हुआ, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिला, लोग ठीक होकर आए। लोगों ने आके हमें भी उस चीज़ के लिए बहुत धन्यवाद दिया कि आपने हमें बहुत सही मार्ग बताया, हमारा आपने इलाज करवाया, काम करवा दिया, बहुत अच्छे से हमारा ऑपरेशन हो गया, आज हमारे भाई बंधु जो भी था वो स्वस्थ है। 2014 के बाद से हम लगातार इस चीज़ के लिए प्रयास करते रहे कि हमें फिर से एक डेट मिले। चूँकि पिछले 2 सालों में तो कोरोना काल में ये चीज़ संभव नहीं थी, जनवरी में हमें उदयपुर से फ़ोन आया कि अब हम आपके शहर में कैंप कर सकते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो। तो हमने रोटरी, हमारे रोटरी बंधु आशीष अग्रवाल जी जो नारायण सेवा संस्थान से काफ़ी जुड़े हुए हैं, उन्होंने उस चीज़ के लिए तुरंत हाँ करा कि भैया हम तो इस चीज़ का इंतजार पिछले 8 साल से कर रहे थे और आपका धन्यवाद जो आपने हमें अवसर दे दिया है। तो 13 फरवरी का कैंप फाइनल हुआ, हम लोगों की रोटरी क्लब की पूरे सदस्यों की मीटिंग हुई, मीटिंग में हमने तय किया कि ये कैंप हमें करना है।
और बहुत अच्छे रूप में करना है, विशाल रूप में करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस कैंप में बुला सकें, उनको का इलाज करा सकें। लेकिन इस बार कुछ कैंप का स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। जैसा पिछला हमने कैंप किया था उसमें पोलियो से ग्रसित लोगों को के लिए फोकस था, तो इस बार जिन लोगों के किसी कारणवश हाथ या पैर कट गए हैं या किसी कारण से वो डैमेज हो गए हैं, उनको चिन्हित करने के लिए, उनको आर्टिफिशियल पैर हाथ लगाने के लिए इस बार ये कैंप लगाया है, जिसमें उनको बुला के उनके हाथ या पैर का नाप ले सकें। और नाप लगा लेने के बाद अब ये पूरी टीम उदयपुर की वापस जाएगी। 40 दिन का इन्होंने हमें समय दिया है, 40 दिन के समय में ये पूरे इक्विपमेंट तैयार हो जाएंगे। 40 दिन के बाद फिर हमें एक डेट मिलेगी, उस डेट पे हम उन सभी भाई बंधुओं को वापस बुलाएंगे इसी स्थान पे, और उनको वो उनके जो हाथ पैर के नाप लिए गए हैं वो उनको वापस पहनाए जाएंगे, जिससे वो फिर अपनी एक सामान्य ज़िंदगी जी सकें और अपने हाथ से काम कर सकें, अपने पैरों पर चल सकें। तो ये हमारा प्रयास था जो हमने करा, और इसे एक महीने की हमारी जो मेहनत रही, जिसमें हमने हमारे साथी हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी से हमारी इस विषय में चर्चा हुई, तो मुकेश भाई का भी धार्मिक कार्यों के प्रति और सेवा भाव के प्रति बड़ा लगाव है। मुकेश भाई से जब मेरी इस विषय में चर्चा हुई कि मुकेश भाई मुझे आपके गार्डन में एक कैंप करना है, तो मुकेश भाई ने छूटते से बोला कि ये कैंप आपको नहीं करना है, हमें मिलकर करना है। बहुत बढ़िया। तो ऐसे विचारों के धनी हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी, उनका पूरा परिवार जो कि इतनी सेवा भाव रखता है, मुकेश भाई का हमें विशेष सहयोग इस कैंप के लिए तो मिला ही मिला। फिर हमने थोड़ा सा प्रशासन की ओर ध्यान खींचना चाहा कि प्रशासन से पहले इन सब चीज़ों के लिए परमिशन ले ली जाए, तो सिर्फ परमिशन के लिए हम जब प्रशासन कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे, तो कलेक्टर महोदय का भी इस कैंप के प्रति इतना इंटरेस्ट बढ़ा कि उन्होंने हमें तत्काल इस कैंप की अनुमति दी। उसके साथ साथ हमें अपने साथ मिला के इस कार्य को आगे करने की, और कलेक्टर साहब भी उत्साहित रहे, और कलेक्टर साहब ने उपद के हमसे इस चीज़ के लिए बोला कि पूरा प्रशासन आपके साथ है, आप इस कैंप को करिए और जितने विशाल रूप से आप कर सकते हैं उतने विशाल रूप से करिए। प्रशासन का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें इसमें प्राप्त हुआ, के सजेशन से, सबके सहयोग से आज हम इस कैंप को करने में सफल रहे हैं। और जितने हमारे दिव्यांग भाई बहन यहाँ आए हुए हैं, हमने सबके भोजन की व्यवस्था भी यहाँ प्रॉपर रखी है, सबको भोजन कराया गया है कि इतनी दूर दूर से लोग आए हैं तो वो परेशान ना हो, उनके चाय की व्यवस्था, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ गार्डन पर सब सहज उपलब्ध कराई गई है। हमने तो एक दिन की उम्मीद करी थी, लेकिन उदयपुर के आए हुए नारायण सेवा संस्थान के लोगों का कहना था कि भैया अपन किसी को वापस नहीं भेजेंगे, अगर अपने को ज़रूरत पड़ी तो अपन लोगों को यहाँ रोक के कल भी एक्सटेंड करके कल भी अपन लोगों का चेकअप करेंगे, कल भी लोगों के नाप लेंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहा है जो इस कैंप से निराश होकर वापस जाए कि मुझे उस कैंप में मेरा नाप नहीं हो पाया या मुझे देखा नहीं गया। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इस कैंप को इस कैंप में आए हुए हर व्यक्ति को उसकी इच्छा अनुसार उसका इलाज कर सकें। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी इस तरह के दिव्यांग जन हैं जिन्हें कृत्रिम अंगों की ज़रूरत है, तो इस तरह के किसी भी कैंप में जाने की सलाह उन्हें ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद।